11 बज रहे हैं और अभी मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लास है। यहाँ पे ये लोग टाइम पास कर रहे हैं और यहाँ पे ध्रुव टाइम पास कर रहा है। मुंह पे घुसा ना लेना भी तो चलो गई और ध्रुव अभी नहाने गया है। गाइस आपने देखा मैं एक हाथ से भी रुको अपने को इधर चढ़ने का है। ओपन लेट्स गो। ओपन चढ़ गए हैं मंजिलों के ऊपर। वन हैंड इज वेरी इम्पॉसिबल यू नो आई एम मैन ऑफ चिंदी। तो अभी जय खाना खा रहे हैं फिलहाल। हमने तो खाना खा लिया है, बस मम्मी और जय लेट खाना खाते हैं क्योंकि जय की क्लास है तो मम्मी भी जय के साथ ही लेट खाती है। शाम के 4 बज रहे हैं और मुझे बहुत भूख लगी है। हमारे खाने खजाने में कुछ पड़ा है कि नहीं पकड़ और चलो इससे ही काम चला लेते। तुम लोग को नहीं है तुम लोग के काम का नहीं है। इसने तो पहले ही ढूसना चालू कर दिया है, आपको तो पता ही है ये तो है ही बुकड़। रे, इससे अकेले से पेट तो भरेगा नहीं तो अपने साथ अपन ने ये भी बना लिया है जो आपको पता ही होगा हमारे घर पे तो ये हमेशा रहता है रेडी रसना। यार चलो ना पापा नान खाते खाते। मेरा फास्ट है यू नो। क्या यू नो माय फास्ट? क्या आपने? यस यू डोंट नो आपका उपवास है? जिंदगी में पहली बार मिले आपने उपवास लिया है? यार सीरियसली सोच भी नहीं सकता पप्पा ने पहली बार अपना उपवास रखा है और उसकी वजह से हमको हमारी नान खटे खाने को नहीं मिल रही जो हमने पिछले ब्लॉग में मतलब ली थी पेस्ट्री के समय। इतना दुख मगर क्यों वो नहीं खा सकते पर ये तो जरूर खा सकते हैं ना। जी हाँ ये है ब्रिटानिया केक जो मम्मी ने हमारे लिए लाया है। वो क्या है? इसका मुंह तो हर टाइम चलता रहता है ले और डूस। अपने लिए कोई नहीं देता अपने को खुद अपना लेना पड़ता है। अभी ये तू ही रखेगा समझा ना। यार फ्रीज में रख इसलिए इसका सब जूस भी निकल गया मेरे को देख के खाने का मन नहीं हो रहा बिल्कुल। पापा यार आपने सब ये मेन माल काट दिया है। वगर अंधी हम तो कभी ये माल निकल के नहीं खाते। अरे ये क्या रायता जैसे काट लिया है? अरे यार आप आलू काट रहे हो मेरे को तो लग रहा है। यार आप आलू ये बना रहे हो क्या फ्राइज? पाइनएप्पल के फ्राइज बना लिए गन्ने के जैसे खा रहे हो। इसमें से झाग निकल रहा है पापा। टेस्ट भी पापा को कुछ अजीब लग रहा है। पापा का मूड खराब हो गया मतलब पापा अभी उपवास तोड़ने वाले हैं। ले लेग पीस ले लेग पीस। वी आर वेज नहीं यार आलू की सब्जी बना रहे हो आप? पापा पक्का आलू की सब्जी बना रहे हो मेरे को समझ गया। हेल्दी एनर्जी हल्दी वाला दूध पर क्यों पी रहे हो ये? बिकॉज माय बॉडी वांट्स सम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो पापा ये हल्दी वाला दूध पी रहे हैं रात को उनके शरीर को क्या चाहिए इसकी जरूरत है। तो अभी हमारा सोने का टाइम भी हो चुका है तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। होपफुली आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। यहाँ पे चालू है। अरे ठीक है।
है।